ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है और क्या कुछ खास रहने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि आपके हल्के में किस तरह से क्या हलचल रहेगी और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सोनीपत, जहां से हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं फतेहाबाद से रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लाजपत आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि आपके हलके में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या हलचल रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जागृति, जब तक देश नहीं जागेगा, जब तक लोग ऐसे ही लापरवाह दिखाई देते हैं, जब तक हम खुद अपनी जागरूकता नहीं लाएंगे, तब तक खुद लोग नहीं जागेंगे। क्योंकि गंदगी का जो भंडार लगाते हैं, हम खुद लापरवाह रहते हैं और प्रशासन डेंगू और मलेरिया के लगातार मच्छर पनप रहे हैं, लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन खुद लोग जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह रहते हैं। लेकिन शासन और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों को जागरूक करे और लगातार, आपको पता है कि जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है या कोई भी समय आता है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती हो जाती है। और सोनीपत जिले में एक सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल जो रेफर हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती है, वहां पर जब भी कोई छोटी सी बात होती है तो सीधा रेफर किया जाता है, जिससे बड़ी हॉस्पिटलों में भीड़ लग जाती है। जैसे रोहतक है, पीजीआई है और खानपुर पीजीआई है, लगातार जो है इस तरीके की भीड़ें जो बढ़ती है, वो छोटे छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं जो रेफर कर देते हैं, उनसे काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोरोना अभी देश गया नहीं है, उन लोगों से जरूर अपील है कि जो पहले से ही मरीज है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को ठीक रखना है, तो आप स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और गंदगी ढेर से जरूर बचें, क्योंकि गंदगी के ढेर से ही मच्छर निकलते हैं और वो काट लेते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। और अब मौसम जैसे लगातार करवट बदल रहा है, लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, खासकर अस्थमे के और एलर्जी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को जरूर सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी जो है वो लगातार जो है कोरोना देश से गया नहीं है, तो अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो सभी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार जैसे लोगों की लापरवाही दिखाई देती है और गंदगी के भंडार लगे रहते हैं। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि पोलोथीन पर जो रोक लगाई गई थी, लेकिन वो अभी बाजार में दिखाई देती है, धड़ल्ले से पोलोथीन का व्यापार हो रहा है, लेकिन जो लोग माइनर है, जो मजदूर और मजदूर है, वो भी लापरवाह है, कहीं ना कहीं उनमें बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, जिससे जीव जंतु खाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। जो पशु होते हैं वो कहीं ना कहीं भूखे घूमते हैं और उनको जब खाना मिलता है तो पोलोथीन के साथ ही वो खा जाते हैं, जिनसे मृत्यु भी हो रही है। अब लगातार जैसे पशुओं में जो बीमारी फैल रही है, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान में जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जैसे डॉक्टर कम है या डॉक्टरों की कमी काफी देखने को मिलती है, तो जो डॉक्टर जो पशु डॉक्टर है उनकी जो हॉस्पिटलों के वो बुरे हालात हैं, जो कि उनका भी जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जी जागृति जी बिल्कुल। और रमेश भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या हलचल रहने वाली है। आज हरियाणा की अगर बात करें तो फतेहाबाद के अंदर जो है आज पगड़ी संभाल जिता किसान जो है वो आड़तियों का समर्थन करेंगे और आड़तियों ने अनिश्चित पालन जो एक हड़ताल जो आज से शुरू करेंगे, जिसके अंदर उनकी जो है काफी मांगे हैं जिनको लेकर वो हड़ताल करेंगे। तो ये अभी जो जानकारी हमें मिली है भुन्ना पट्टुकला और फतेहाबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस सभी पूरे जिले के अंदर ये जो असर देखने को आज दिन में मिलेगा, मंडी की आज हड़ताल रहेगी। दूसरा इसके साथ साथ और बताना चाहूंगा, फतेहाबाद के अंदर अगर लंपी वायरस की अगर बात की जाए गायों को लेकर के, तो फतेहाबाद जिले के अंदर 68 गौशालाएं हैं और 53 पशु चिकित्सालय, 91 पशु अस्पतालय हैं, जिनके अंदर अभी तक पूरी डॉक्टरों की टीम अलर्ट है। कुल मामले जो है 46 जो आए थे, जिनके अंदर से 1187 जो है वो ठीक हो चुके हैं। जागृति, अभी 217 पशुओं का वो इलाज चल रहा है, जो ठीक गाय ठीक हुए थे कल, और अभी तक टोटल जो डेथ है जो ये गायों की 152 है। तो बताना चाहूंगा 1,06,008 वैक्सीन भी फतेहाबाद के अंदर लग चुकी है और प्रशासन के 3200 ये जो अभी अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक फतेहाबाद जिले के भट्टुकला क्षेत्र के गांव ढींसरा से राजपाल भरत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मैदान में उतरे हैं, फ्री दवाइयां लंपी वायरस जो गायों के लगातार वितरित कर रहे हैं। बाहर से राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, तो जगह जगह से लोग आकर वो फ्री दवाई, ये राजपाल भारत नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि गांव ढींसरा से बिलोंग करते हैं, जो फ्री में ये दवाइयां दे रहे हैं। समाज के व्यक्ति भी दान में उतर चुके हैं लंपी को लेकर के, जागृति प्रशासन के साथ साथ सहयोग अच्छा कर रहे हैं।
जी बिल्कुल लाजपत, आपके हल्के में सियासी गलियारों में आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है, किस तरह से आज जो है खास रहने वाला है, ये भी जानना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक है और दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना लगातार तो भारत, पूरा भारत यहाँ पर बसता है, अनेक राज्य के लोग जो है मजदूर और मजदूर भी है और अलग अलग देश से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं जो बच्चे, उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ध्यान देती है। और जो राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ोली है जिन्होंने कल गांव गांव जाकर बैठक की है, लोगों से मुलाकात की है, क्योंकि अभी जो है आगामी पंचायती चुनाव भी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कोई चूक ना रह जाए और हर तरीके से तैयारी जो की जा रही है, जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत किया जा रहा है और हर तरीके की जो बातचीत है वो जारी है, जो विधायक है वो हर चीज पर पहलू पर ध्यान रखते हैं और चंडीगढ़ जाते हैं तो उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं, शासन और प्रशासन से मुलाकात कर उन लोगों की समस्याओं का हल करवाने का प्रयास करते हैं और लगातार आज भी जो लोगों से मुलाकात रखते हैं और लोग जो उनके पास नहीं जा पाते उन्होंने कह रखा है कि अपने फोन से उनका समाधान करवाने का प्रयास करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए अनेक तरह के जो लोग हैं वो मुलाकात रखते हैं, मेल के थ्रू भी उनका काम किया जाता है, ऑनलाइन का ज्यादातर ध्यान रखा जाता है। उनके पास चार पीए हैं जो पीए काम कर रहे हैं और लगातार जैसे चंडीगढ़ के लिए भी और राय के लिए और सोनीपत के लिए भी अलग अलग जो पीए हैं वो हर चीज पर ध्यान रखते हैं और लगातार छोटी छोटी जो समस्याएं लोगों की वो उन पर जरूर ध्यान देते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास रहता है। और अब जब पंचायती चुनाव है तो और भी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात की, कल पूरा दिन जो सुबह 9 बजे से और रात के 8 बजे तक उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, क्योंकि जो नजदीक गांव है, बड़े गांव है, उनके जो कार्यकर्ता है या उनकी जो मुलाकात की और गांव की जो समस्या थी उनको ध्यान दिया गया। आज पूरा दिन उसमें सिर से लगाया जाएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उन पर मुलाकात की जा रही है, हर चीज को डॉक्यूमेंट से जोड़ा जा रहा है, ऑनलाइन जो है वो उन पर जरूर ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, रमेश आपसे भी जानना चाहेंगे फतेहाबाद में आज सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 25 तारीख को भी वहां पर इनेलो जो है वो एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा फतेहाबाद के अंदर पूरे जिले में हर गांव को जो है कवर किया जा रहा है, डोर टू डोर वहां पर जाकर के अभय सिंह चौटाला उनके बेटे खुद जो है मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार जनता को जो आमंत्रित किया जा रहा है कि 25 सितंबर की जो रैली है वो एक बहुत ही बड़ी रैली होने जा रही है, क्योंकि काफी सालों के बाद ये इनेलो की रैली जो फतेहाबाद के अंदर रखी गई थी, जिसको लेकर के काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ एक और बड़ी जानकारी देना चाहूंगा जागृति कि ट्रांसपेरेंट ड्राइव पॉलिसी जो सरकार लेकर के जो आई थी हरियाणा के अंदर, उसका खासा असर अभी तक देखा जा रहा है, परेशान है बच्चे। भट्टूकला क्षेत्र के दैयड़ गांव में स्कूल के गेट पे धरना चल रहा है जागृति, वहां पर डीओ साहब जरूर गए हैं, आश्वासन दिया गया है कि जल्दी बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो उसके लिए टीचर भेज दिए जाएंगे, लेकिन जैसे हमें जानकारी मिली है कमल बीसला जो गांव ठुइया से हैं उन्होंने जो बताया कि ठुइया और दैयड़ ये जो मौके पर जो स्कूलों में अध्यापक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं खामियाजा हर गांव के अंदर ये भुगतने को देखा जा रहा है कि बच्चे, जैसे हमने गांव मानावाली की अगर ग्राउंड कवरेज ली थी, 170 बच्चे और एक अध्यापक पीटीआई संभालने वाला था, तो ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी जो है ये कहीं ना कहीं एक गलत साबित होती नजर आ रही है। लगातार भट्टूकला क्षेत्र के दैयड़ गांव के अंदर धरना चल रहा है, जिसको लेकर काफी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है जागृति। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ राजपूत आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है अब जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले, ऐसे में किस तरह से वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं और लोग जो है जो आम जनता है वो किन मुद्दों पर ध्यान देते हुए इस बार पंचायत चुनाव में वोट कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय के बाद जो लोगों के अंदर एक विचार है और जो ध्यान दिया जा रहा है वो अनेक तरह के मुद्दे हैं, जैसे विकास कार्यों को लेकर काफी जो है मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक सरकार कोई घोषणा नहीं कर पाती है जब तक काफी बड़ी समस्या है। जो गांव गांव की बात करें, पंचायती चुनाव की बात करें, तो अभी से पहले गुटबाजी दिखाई दे रही है। एक गांव में जो सरपंचों की बात करें तो 5 से 10 सरपंचों की तैयारी है, अधिक भी हो सकते हैं, 11 से 15 भी हो सकते हैं, एक दर्जन से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपसी जो खींचातानी या गुटबाजी अभी भी दिखाई देती है हल्की फुल्की, लेकिन अभी जो है सरकार उस पर कितना संज्ञान देती है, कब तक वो सीटों का बता पाती है, क्योंकि काफी चीजों पर चर्चा है कि अभी सीट जो है वो उल्टा पलटी हो सकती है। ज्यादातर जैसे आपको बता दें कि महिलाओं को जो है वो जो पहल दी जाएगी, क्योंकि 50% की जैसे महिला की जो तैयारी
जो सरकार की है, और लगातार आपको बता दी कि अनेक तरह के जो मुद्दे हैं, जो त्रिभुज बनता है वो भी, उस पर भी जो ध्यान दिया जाएगा। एक गांव में तीन बार जो चुनाव होते हैं वो कौन कौन सी बिरादरियों से किस किसने लड़ा है, किस तरीके से है, उस पर भी सरकार जरूर ध्यान देती है। तो हमारी ये जरूर अपील है, जिस गाँव में इस तरीके की चर्चा है वो त्रिभुज को देखकर अपनी तैयारी रखे, ताकि आपको पता लग पाए कि आप जो सरपंची का चुनाव लड़ना है किस तरीके से लड़ना है। अभी से पहले जो लोगों की जरूर तैयारी दिखाई दे रही है, पंचायती चुनाव को लेकर अभी सरकार जो है उस पर संज्ञान दे रही है, और लगातार सरकार का भी प्रयास है कि अच्छे जो सरपंच चुने जाए, ताकि देश का विकास हो, गांव का विकास हो। जो लोग जो गांव के व्यक्ति हैं वो खासकर इस बात को लेकर जरूर चिंतित है, क्योंकि ये पंचायती जो चुनाव है ये छोटा पंचायती चुनाव नहीं माना जा सकता, काफी बड़ा चुनाव होता है। ये काफी बड़ा इसलिए कहेंगे कि गांव में जो मुद्दे बनते हैं, आपसी खींचातानी देखने को मिलती है, पुरानी से पुरानी बातें जो निकल कर आती हैं, एक दूसरे के जो परिवार से जुड़ी हुई बातें होती हैं उन पर चीजों पर सभी चर्चा होती है, जो गुटबाजी दिखाई देती है उस पर भी काफी चर्चाएं दिखाई देती हैं, और काफी काफी ऐसे मुद्दे हैं जो सरपंची का जो चुनाव है वो काफी अहम रखने वाला है, और काफी लंबे समय के बाद जो पंचायती चुनाव होगा। एक सबसे बड़ी बात है कि जो सोनीपत जिले की बात करें तो 13 गांव जो थे वो नगर पालिका के अंडर जो आते थे, और फिर उसमें काफी संघर्ष किया गया, उनको निकाला गया, वो काफी इस बात को लेकर चिंतित है कि अब की बार होगा क्या, क्योंकि उन गाँव में भी सरपंची का चुनाव होना है, और वो लोग काफी इस बात को लेकर चिंतित है कि अब की बार सरपंच कैसा होगा, क्योंकि कुंडली जो क्षेत्र है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हल्का अचल में बस इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।